नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी की खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेल आइकन दबाने पर। और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अगर आपके पास में डिप्लोमा है, BA है, BCOM है, BSc है, BTEC है, BA है, कोई भी आपके पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी, बने रहें। और दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की खबर पाना चाहते हैं मोबाइल पर भी, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहां पर आपको सर्च करना होगा NeoVolTech के नाम से। जैसे आप ये NeoVolTech के नाम से सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जिसका नाम है सरकारी नौकरी फ्री गवर्नमेंट जॉब्स NeoVolTech के नाम से। आपको इसका लोगो दिख जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब भी कोई हम नई अपडेट डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर जो भर्ती निकली हुई है 141 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन है 30 मई को जारी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो वेरियस कैटेगरी के अंदर रिक्रूटमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि डिप्टी मैनेजर, स्टोर ऑफिसर, DGM एंड जूनियर अकाउंट्स वैकेंसी, ये सभी पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 28 से 47 साल के बीच की अगर आपकी उम्र है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 30 मई से। ठीक है, और लास्ट डेट है 20 जून। 20 जून आप रात को 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, यहां पर साफ साफ बताया गया है कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BE, BTEC, BSc इंजीनियर्स वाले यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसके लिए आप BA भी हैं, BCOM भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, वो मैं आपको नोटिफिकेशन पर जाकर बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जाकर के जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर लेकर आया हूं। यहां पर मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विथ 55% मार्क्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें, और भी हम आगे चलते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पर देखो दो पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कॉमर्स भी मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, कॉमर्स भी है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेजुएशन कॉमर्स 50% मार्क्स के साथ में। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से अच्छे से पढ़ करके इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पर सैलरी की बात भी कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। तो आप देख सकते हैं, इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 तक की सैलरी रहेगी पर मंथ की। और यहाँ पर डिप्टी मैनेजर के लिए 70,000 से 2,00,000 तक की सैलरी है। और DGM की यहाँ पर 1,20,000 से लेकर 2,80,000 तक की है। और जूनियर अकाउंट्स की देख सकते हैं आप 13,080 से लेकर के 38,500 तक की सैलरी है। तो दोस्तों, काफ़ी हैंडसम इसमें सैलरी दी गई है, तो आप प्लीज इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर दीजिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे इस रेड बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।